हमारे साथ हैं अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर, गोल्ड में और सिल्वर में जो तेज गिरावट है, क्या ये और बढ़ सकती है? नमस्कार मित्र जी, डेफिनेटली अगर सोने चांदी की बात करें तो जिस ढंग से डॉलर में वापस हम 5 हफ्ते के हाई पे डॉलर इंडेक्स आते हुए देख पा रहे हैं और जैक्सन होल में जो स्पीच रहेगी इस बार ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ रेट हाइक है वो और बढ़ सकती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि 0.5-0.75 का रेट हाइक जो सितंबर में होना है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। तो पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं जब जब इंटरेस्ट रेट हाइक होने का सिनेरियो बनता है सोने चांदी में एक दबाव बनना चालू हो जाता है और जिस दिन ये डे इवेंट होता है उस दिन के बाद मार्केट में एक जंप आता है। तो ये हफ्ते में मुझे लगता है प्राइजेस साइडवेज टू नेगेटिव रह सकते हैं, उसको देखते हुए 51,200-250 के करीब गोल्ड को बेचना चाहिए। 50,950 तक का टारगेट गोल्ड में देखने मिल जाएगा, चांदी भी लगभग 54,600 तक का एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर और सिल्वर पर, आप कह रहे हैं कि बेच कर चलें, ये गिरावट इंट्राडे में सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ सकती है, इस पर आप नजर रखें। और इस बीच अगर आप देखें तो अच्छा, एक बात मेरा आपसे होगा, सवाल होगा अजय जी, कि मतलब अमेरिका में दरें और बढ़ेंगी ये बात तो पहले से मार्केट में चल रही है, तो फिर अचानक मार्केट में ये शार्प फॉल के लिए कुछ और वजह तो नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई स्पीच होती है, क्योंकि जब डेटा रिलीज होता है तो हमें पता है कि ये डेटा ये पॉइंट से ये पॉइंट आएगा, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई स्पीच रहती है तो वहां पे क्या डिग्री या क्या टेम्परमेंट है कि कितना आगे और बढ़ाया जा सकता है, उसका एक्सपेक्टेशन मार्केट में लगता है कि ज्यादा हॉकीस है या कम हॉकीस है, क्योंकि हमें ये पता है इंटरेस्ट रेट तो आगे बढ़ने वाली। इससे पिछले 6-8 महीनों में सालों में अगर हम देखते थे कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात होती थी तो सोने में गिरावट आती, बट अब आप पिछले 3 महीने से देखिए इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो रही है और रेट भी बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई स्पीच होती है तो उसमें टेम्परमेंट क्या है और कितने बड़े हॉकीस है, मार्केट इस चीज को पहले से डिस्काउंट करके भी चलने लग गया है आजकल, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो रहा है और गोल्ड सिल्वर भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की, अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड में भी आप देखिए कि गिरावट बहुत बढ़ी है और इनफैक्ट अब थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन इंट्राडे में $95 के नीचे चला गया था ब्रेंट, वहां से रिकवर हुआ है। एमसीएक्स पर भी बहुत शार्प रिकवरी आई है, 7200 के ऊपर आ गया है, अब महज 16 रुपए की कमजोरी रह गई है। कच्चे तेल में क्या किया जाए? देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है ट्रेंड वीक ही है, जिस ढंग से डॉलर में गेन है, रिसेशन के कंसर्न अभी भी बने हुए हैं, बीच बीच में हम देखते हैं सप्लाई साइड कुछ कंसर्न रहते थे जो प्राइजेस को सपोर्ट जरूर करते बट सस्टेन नहीं कर पाते, तो टेक्निकली मुझे लगता है कि काउंटर अभी भी वीक है, सप्लाई पर्याप्त है एज कम्पेयर टू डिमांड, जिसके चलते हमें लगता है कि बिकवाली करके चला जा सकता है करंट भाव से भी। ओवरऑल मुझे लगता है 7,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है, 7,350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में वैसे तो मेटल के मार्केट में आज कमजोरी है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेटल में किसी एक काउंटर को, खास करके एल्यूमिनियम को चुनना हो या एल्यूमिनियम में ट्रेड लेना हो तो क्या आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल में एल्यूमिनियम थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए भी लग रहा है, अभी तक ये चला नहीं है। सेकेंडली जो एनर्जी क्राइसिस चाइना में और यूरोप में बना हुआ है, जिसकी वजह से स्मेल्टर्स ने काफी प्रोडक्शन हॉल्ट किए भी है और 1 तारीख से फर्दर ड्रॉप आ सकता है प्रोडक्शन में लेकर, जिसके चलते मुझे लगता है 209 का लेवल काफी अच्छा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम को ले सकते हैं 211.50 के लिए। बट ध्यान रखिए पहले भी हमने देखा 212-213 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, अगर एक बार प्राइसेस 12-13 के ऊपर जाए तो एक बड़ी तेजी के लिए भी तैयारी रहेगी, बट टाइमिंग पूरे बेस मेटल में एल्यूमिनियम काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में आप कह रहे हैं कि बाई करके चले 209 के भाव पर, टारगेट होगा 211.50 का, 207 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आते हैं एग्री में। एग्री में ग्वार में गिरावट है, ग्वार के दाम लगातार गिर रहे हैं और ये गिरावट थम नहीं रही है, अब तो 4700 के भी नीचे आ गया ग्वार सीड का प्राइस। क्या लगता है आपको, और गिरावट बाकी है अजय जी ग्वार में भी? आई थिंक जैसे पहले मैंने बताया था कि 5400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता ट्रेंड वीक है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग 47-48 के नीचे सस्टेन करे, बट टाइमिंग पॉजिटिव कोई क्लू नहीं आ रहा है मार्केट में जो बाइंग इनिशिएट करने के लिए हमें मौका दे, तो जब तक मुझे लगता है कि कोई ऐसे बाइंग ट्रिगर नहीं आता है बेटर टू बी ऑन शॉर्ट साइड, जो नीचे में 45-50 तक का लेवल एक बार गवार दिखा सकता है, बट कोई भी शॉर्ट पोजिशन कैरी मत कीजिए अगले दिन के लिए, जो भी ट्रेड करे इंट्राडे के हिसाब से ही करके चलिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, 78 रुपए नीचे है,
NCDX पर ग्वार सीड का वायदा 4,654 ये लेवल दिख रहा है। अच्छा एक सवाल आपसे मेरा कॉटन के ऊपर होगा, कॉटन में का जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर करीब करीब 950 रुपए की तेजी है, 2.5% के आसपास की, 41,280 ये भाव है कॉटन का। हालांकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमने हाल के दिनों में कॉटन की कीमतों में देखा है, क्या लगता है आपको यहाँ से कॉटन का प्राइस? देखिए एज ऑफ नाउ जो कंसर्न्स बन रहा है वो यील्ड्स को लेकर बन रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो अभी भी 375 बेस का ही रखा गया है ये साल की। पिछले साल भी हमने देखा था यील्ड्स में काफी ड्रॉप है, और जिस ढंग से पिछले 2 महीने की जो बरसातें हैं, नॉर्थ में हमने पिंक बॉल वॉर्म के कंसर्न्स देखे, साउथ में भी हमने देखा कि काफी डैमेजेस है, तो आई थिंक अगले महीने से क्रॉप तो नया अराइवल्स चालू हो तो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ यील्ड कैसे रहेगी और इंटरनेशनल में जिस ढंग से मार्केट ने वापस रिबाउंड दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोअर लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने मिल रही है, जो पहले हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं उतना नहीं आ रहा है। अक्टूबर वायदे में मुझे लगता है जब तक प्राइस 40,700 के ऊपर मेंटेन है, टेक्निकली 41,600 तक का लेवल दिखा देगा, बट जैसे जैसे अराइवल सामने आते हुए दिखाई देगी प्रेशर भी बनेगा, बट इन ऑल मुझे लगता है कि जो 375 की हम एक क्रॉप लेके चल रहे हैं उससे थोड़ा सा नरम ही रहना चाहिए। दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज अभी भी पानी सामने है क्रॉप में, खेतों में भी पानी है काफी जगह पे, बट आई थिंक प्राइजेस को डैमेजेस की वजह से सपोर्ट मिल रहा है टाइमिंग। अच्छा ओवरऑल मसालों के ऊपर आपका व्यू अजय जी? ओवरऑल मसाले में मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आगे जाके बड़ी तेजी रह सकती है, बट सितंबर में जैसे हम एंटर करेंगे तो सोइंग के लगभग एक कैलकुलेशन बनना चालू हो जाएगा मार्केट में, ऊंचे भाव को देख के अच्छी सोइंग रहनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग कभी भी ट्रिगर कर सकता है, खास करके अगर हम जीरे की बात करें तो जितने भी एक्सपोर्ट डिमांड डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, क्रॉप साइज छोटी, वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं, 25,300-400 का रेंज है, मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग रहनी चाहिए। धनी में भी 11,600-700 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है लास्ट लेग ऑफ तेजी है, उसके बाद एक अच्छी करेक्शन आनी चाहिए क्योंकि सोइंग इस बार अच्छी रहनी है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सोइंग अच्छी रहेगी, और आज देखिए कि 1.5% से ज्यादा की गिरावट कोरिएंडर में है, 11,436 का लेवल है। इसके अलावा मसालों के और काउंटर को देखें, टर्मरिक को, जीरे को, तो जीरे में 200 रुपए की गिरावट है, इसके अलावा टर्मरिक के दाम भी नीचे आए हैं, टर्मरिक में भी गिरावट दिख रही है करीब करीब 120 रुपए के आसपास की, तो सारे मसालों में आज एक कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखा है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए।